भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर शख्स का ताज इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के सिर पर है और ये कभी भी छिन सकता है। इस ताज की ओर बड़ी तेजी से अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी बढ़ रहे हैं। 2021 में जिस तरह गौतम अडानी की संपत्ति में उछाल आया है, वो अब मुकेश अंबानी से केवल $12 अरब दूर है। वहीं दूसरी तरफ अंबानी की संपत्ति में उस तरह तेजी नहीं दिख रही है। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स पर दिए गए आंकड़े के मुताबिक गौतम अडानी की कुल संपत्ति $62.7 अरब है तो मुकेश अंबानी की संपत्ति $74.1 अरब। गौतम अडानी इस समय देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं और अडानी ग्रुप की 6 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी गैस, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में पिछले एक साल में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इस समय दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में 13वें नंबर पर मुकेश अंबानी हैं। इस साल यानी 2021 में उनकी संपत्ति में $2.62 अरब यानी करीब 20,000 करोड़ की गिरावट आई है। वहीं ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में 19वें पायदान पर पहुंचे गौतम अडानी का नेटवर्थ इस साल $29 अरब यानी 2,00,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ा है। वहीं ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में 19वें पायदान पर पहुंचे गौतम अडानी का नेटवर्थ इस साल $29 अरब यानी 2,00,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ा है। 2021 में संपत्ति में तेजी के मामले में दुनिया में एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स को पीछे छोड़ दूसरे नंबर पर हैं। उनसे ज्यादा केवल फ्रांस के अरबपति बर्नार्ड अर्नोल्ट की संपत्ति $42.30 अरब की तेजी आई है।